राजधानी दिल्ली के मेहरोली में बाबा लक्कीनाथ कुटिया समिति द्वारा आज बाबा लक्कीनाथ कुटिया में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के पवित्र माह में कांवड़िया कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं और वहां से वापस कांवड़ लेकर आते हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह रास्ते में पंडाल लगाए जाते हैं। इसी को लेकर बाबा लक्कीनाथ कुटिया आश्रम समिति द्वारा आज बाबा लक्कीनाथ कुटिया में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा लक्कीनाथ कुटिया समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने आयोजन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में कृष्ण राधा भोले बाबा अघोरी की झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और काली माँ के दर्शन किए, क्योंकि काली माँ की झांकियां भी हुई। जो भक्त कार्यक्रम में आए उनको फल प्रसाद वितरण किया गया। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा, लोगों ने झांकियों का जमकर लुत्फ उठाया। भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए भक्त झूमते रहे और नाचते रहे। जब हमारी टीम ने आनंद कुमार से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। हमारे बाबा लक्कीनाथ समिति जो है, ये हर साल हमने ऐसा प्रोग्राम जो है वो पहली बार किया है, और हम वैसे हर बार कांवड़ियों को प्रोग्राम रखते हैं, मगर ऐसा जो झांकियों को और ऐसा जो रोमांचक जो प्रोग्राम जो शिव भोले की, माँ काली की और श्याम खाटू बाबा की, हनुमान जी की, जो अलग अलग तरह की जो झांकियों के रूप में हमने दर्शाया, वो हमने बाबा लक्कीनाथ समिति ने पहली बार इसको किया है। और जो है ये हमारा आश्रम जो है बहुत ही कई सौ वर्ष पुराना आश्रम है, और यहाँ पर जो है ये अद्भुत अवतार वाला जो है संत महात्माओं का मठ कहें, जैसे बाबा गोरखनाथ का मठ है, तो सबसे बड़ा मठ हमारा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हमारा बाबा लक्कीनाथ का मठ है। यहाँ पर तमाम हिंदुस्तान से लोग आता है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी की भी तरह का रोग हो, यहाँ पर 7 बार आके देखे और पता चल जाएगा कि यहाँ पर चमत्कार कितना है। और यहाँ पर जिसको लोगों को ओने टोकते, बच्चे नहीं होते या किसी को आल बवाल सताता, तो यहाँ की सिर्फ भभूति लेके जाए और आदमी जैसा बीमार भी हो जाता तो यहाँ पर बाबा से झाड़ा लगवाने के लिए आते और तुरंत ऐसे जाता, आदमी झुक के आता और बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर ने दवाई दे दी। हमारे जो ये मंदिर जो है, जो आश्रम है बाबा लक्कीनाथ का, जो आश्रम है ये हमारे जाटव समाज का आश्रम है, और जाटव समाज हमारा जो सारा जो हमारे वहाँ पर इरविन हॉस्पिटल में भी है बाबा हैदर साइडी की कुटी, वहाँ पर वो भी हमारे मठ है। तो हमारे जो मठ हैं जो, और जो यहाँ के जो दिल्ली के हमारे जो समाज के, जो मेहरोली समाज के, जाटा समाज के लोग हैं, इन्होंने बहुत हमारा सहयोग दिया और इसी तरीके से प्रोग्राम में शांति बनाए रखी, और इनका योगदान बहुत बड़ा हमारे जाटा समाज का है, जो कि हमारी जो समिति जो काम कर रही है, हमारी समिति इतना अच्छा काम कर रही है कि इसके लिए हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है एक ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको, अद्भुत ये जगह है, यहाँ पर आके देखो चमत्कार आपको तुरंत दिखे। मेरी जल अभिषेक होना है, तमाम यहाँ पर कांवड़ियों का पूरा व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और जल जो यहाँ पर रखने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कांवड़िए कई सौ, यहाँ पर कई सौ कांवड़िए पहुँचेंगे सुबेरे और उनकी पूरी व्यवस्था की, और जल अभिषेक मंडेर का आयोजन है और वहाँ पर इनका जल अभिषेक होगा। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को नमस्कार करता हूँ और जय भोले की। कैलाशपति का ये प्रोग्राम हो रहा था और इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। कल जल अभिषेक होना है तो पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना था लोगों तक आस्था को पहुंचाना। हम हिंदू धर्म सनातन धर्म को बचपन से ही मानते आए हैं और ये हमारा 5000 से भी 10000 सालों से भी पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने बच्चों को देना चाहते हैं और अपने इसको हमेशा जीवंत रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, हमारे देवताओं के प्रति सजग रहे, उनको हमारे देवताओं के बारे में, इस बारे में पता रहे कि हमारे देवताओं की शक्तियाँ क्या थी, और इसी चीज़ से आस्था को हम बढ़ावा देते हैं। पहली बार ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, आने वाले वक्त में क्या आगे भी आप लोग करते रहेंगे? माफ़ी चाहता हूँ, हमने हर बार जो है हम यह कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन झांकियों का कार्यक्रम इस बार हमने पहली बार किया है, तो ये भी हमारे के लोगों ने ही कहा कि जी इसको आनंदमय बहुत और मनाया जाए। तो जैसे जैसे ट्रेंडिंग नया चलता जा रहा है, हम लोगों के मनोरंजन के साथ साथ आस्था के उसका भी ख्याल रखते हैं। बाबा भोले की, बाबा भोले का श्रावण मास चल रहा है, जैसे कि बाबा लक्कीनाथ कुटिया पर इस बार बहुत ही भव्य प्रोग्राम किए गए झांकियों का। जितना भी हमारे यहाँ पास में माताएं बहनें बच्चे हैं, सभी बोले कि पहली बार ऐसा भव्य प्रोग्राम हमने मेहरोली में पहली बार देखा है। तो मैं यही बोलूंगा, जय बाबा भोले की असीम कृपा है हमारे पास और उनका आशीर्वाद है। जय बाबा भोले की। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।